नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार ब्रेकिंग न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। उससे पहले आप किस जिले से खबरें देख रहे हैं कमेंट कर जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों के विस्तार से। बिहार नगर निकाय चुनाव आरक्षण पर फैसला सुरक्षित। हाई कोर्ट ने कहा आयोग चाहे तो 10 अक्टूबर का पहला चरण आगे बढ़ा दे। बिहार नगर निकाय चुनाव में संबंधित बड़ी खबर। राज्य में नगर निकाय चुनाव की तारीख बदल सकती है। 10 अक्टूबर को होने वाली पहले चरण के चुनाव का डेट बढ़ाया जा सकता है। हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से मतदान का डेट बदलने को कहा है। नीतीश दिल्ली संभाले तेजस्वी यादव बिहार। सुनिए लालू यादव ने दिया क्या जवाब। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के दिल्ली संभाले और तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर अपनी चुप्पी तोड़ दी। उन्होंने नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने के सवाल पर कहा है कि इसमें अभी समय लगेगा। साथ ही ये भी कहा है कि वे तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। बिहार में बालू पर बड़ा गैंगवार। दो माफिया गुंडों के बीच हजार राउंड गोली चली, 5 की मौत, 100 भी ले गए। बिहार की राजधानी पटना से बियाटा के दियरा इलाके में बुधवार को देर रात खनन और सीमा विवाद को लेकर दो बालू माफियाओं शत्रुघ्न राय और श्रीराम के बीच हुई खूनी भिंडक में हजारों राउंड फायरिंग की गई। दोनों गुंडों के गैंगवार में 5 से ज्यादा लोग के मारे जाने की खबर है। पुलिस ने घटनास्थल से सैकड़ों खोखे और एक मोबाइल बरामद की है। पुलिस को समाचार लिखे जाने तक एक भी शव नहीं मिला है। माना जा रहा है कि मालू माफिया शव को अपने साथ ले गए। निवेशकों से बोले सीएम नीतीश, निश्चित रहिए बिहार में अब सभी सुविधाओं और अच्छा माहौल। बिहार में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए आज पटना में इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्योगपतियों को बिहार में सभी जरूरी सुविधाओं और बेहतर माहौल देने का आश्वासन दिया। क्या तेजस्वी को 2023 में सीएम बना केंद्र की राजनीति करेंगे नीतीश। जगदानंद सिंह ने बयान पर गरमाई सियासत। बिहार प्रदेश आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार साल 2023 में ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाकर केंद्र की राजनीति करेंगे। इस पर अब जेडीयू की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। सीएम नीतीश 2047 तक भारत का इस्लामीकरण का समर्थन करते। गिरिराज ने बिहार के मुख्यमंत्री ने पूछा तीखा सवाल। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर लगे बैन के बाद से बिहार में लगातार सियासी बयानबाजी जारी है। बीजेपी के फायर नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रतिबंध के बाद सीएम नीतीश कुमार से तीखा सवाल पूछा है। अदालत को हल्के में लेना पड़ा भारी। पशुपालन और मत्स्य विभाग के आयुक्त सचिव पर लगा 25,000 का अर्थदंड। लालू यादव की आवाज निकालने वाले बच्चे के साथ तेज प्रताप ने वीडियो बनाकर किया शेयर का हमेशा साथ दूंगा। जनतांत्रिक विकास पार्टी ने पटना में दिया एक दिवसीय धरना। बिहार सरकार को दलित विरोध बताया। जेडीयू एमएलसी वीरेंद्र यादव समेत 5 पर पंजीयन घोटाला में विजिलेंस कोर्ट में चार्जशीट। मुजफ्फरपुर की 2 पंचायतों का देश भर में बजा ढंग का। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रही पार्टी। पटना हाई कोर्ट ने स्थानीय निकायों में आरक्षण देने के मामले में फैसला सुनाए रखा। पटना हाई कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के मामले में फैसला सुरक्षित रखा। कोर्ट के मुताबिक अब तक समय पर भी निकाय चुनाव कराए जाएंगे। पटना सहित इन शहरों में पेट्रोल डीजल हुआ महंगा। इन शहरों का भी रेट जाने। अमित शाह की रैली के लिए वसूली का आरोप। अररिया बीजेपी जिला अध्यक्ष के खिलाफ थाने में अफसर की शिकायत।